नमस्कार साथियों, सीजी प्राइम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मुदस्सिर नासिर। आज हम लोग हैं सेक्टर 2 हनुमान मंदिर में और यहाँ पर गरबा का बहुत अच्छा आयोजन हुआ है और आज यहाँ पर प्रैक्टिस चल रहा है। यहाँ की जो मेन ऑर्गेनाइजर है उनका नाम है मिसेस राधा मिश्रा और यहाँ की जो संस्था है वो है ओजस्विनी। यहाँ पर ये बहुत अच्छा गरबा का आयोजन कराते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अंदर, जाके पूछते हैं लोगों से कि यहाँ पर उन्हें कैसा फील हो रहा है और उनकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है। तो अब हम मौजूद हैं मिसेस राधा मिश्रा जी के साथ जो यहाँ की ऑर्गेनाइजर है और हम उनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। नमस्कार मैम। जय श्री राम। जय श्री राम। मैम आप कितने टाइम से आयोजन करवानी है गरबा का? जी हमारे ये 3-4 साल से हो रहा है। 3-4 साल हो गए। और जैसे यहाँ पर हम काफी महिलाओं को देख सकते हैं तो यहाँ पर सिर्फ महिलाएं ही अलाउ है कि? छोटी बच्चियों से लेकर महिलाएं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ महिलाओं के लिए, जो घरेलू महिलाएं हैं हम लोग उनके लिए आयोजन कराते हैं। ठीक है बहुत बढ़िया। और जैसे ये नवरात्रि के पहले से आप लोग प्रैक्टिस का आयोजन कराना चालू कर देते हैं तो कितने दिन पहले से आप लोग ये प्लानिंग करते हैं? कम से कम हम लोग 15 दिन पहले से इसकी प्लानिंग करते हैं। तो 15 दिन हम लोग कम से कम इनको प्रैक्टिस कराते हैं। अच्छा। फिर हम पूरी नवरात्रि इनके साथ गरबा करते हैं। फर्स्ट डे हमारा स्थापना रहता है। हाँ, उसमें हम लोग भजन वगैरह करते हैं माता जी का। अच्छा। फिर स्थापना करते हैं। फिर सेकेंड डे से लेके अष्टमी तक हमारा कंटिन्यू रहता है। हर रात, रोज रात में 8 बजे से लेके 10 बजे, 10:30 महिलाओं के उनके हिसाब से। जी ओके। मींस सेकंड डे से आप चालू करते हैं अष्टमी तक रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। और जो प्रैक्टिस होता है, ये प्रैक्टिस का टाइमिंग क्या रहता है? प्रैक्टिस ही हम लोग महिलाओं के हिसाब से है तो इससे दोपहर का टाइम सुटेबल लगता है उनके, तो 3 बजे से 5 बजे तक का हम लोग रखते हैं। अच्छा, 3 बजे से 5 बजे तक का प्रैक्टिस टाइम नवरात्रि के 15 दिन पहले से। चलिए अब हम यहाँ पर एक और जो ऑर्गेनाइजर है लता मैम उनसे बात करेंगे और यहाँ के जो कोरियोग्राफर है आशुतोष इनसे भी बात करेंगे। तो बताइए मैम कुछ यहाँ के बारे में, कैसा आयोजन चलता है, क्या चलता है? यहाँ का आयोजन तो भी बहुत बढ़िया चल रहा है, पिछले 3 साल से हो रहा है। पहले तो बहुत कम महिलाएं आती थी। अच्छा। लेकिन हम लोगों का ये उद्देश्य था, जो घर में है महिलाएं जिनको शौक रहता है कि कभी हम भी डांस करें और नहीं हो पाता था, तो उन्हीं सबको हम निकालने के लिए सब प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। और उन्हीं लोगों को सब बुलाते हैं और शुरू से लेकर आखिरी तक अच्छा से उन लोगों को हम यहाँ मतलब ट्रेनिंग दे रहे हैं। अच्छी बात है, मतलब इसी बहाने ये पूरा जो सेशन रहता है इसमें उनका प्रैक्टिस भी हो जाता है और जो सेकंड डे से जो गरबा फिर जो स्टार्ट होगा उसमें भी उनका डांस प्रैक्टिस हो जाता है। तो मतलब सेहत के लिए भी बहुत अच्छी। हाँ, सेहत के लिए बहुत बढ़िया है। वही कभी उन लोग नहीं निकले रहते हैं तो जैसे बाहर कहीं ग्राउंड में जाते हैं गरबा करते देखते हैं तो उन लोगों को भी शौक लगता है हम भी करें, लेकिन मन में झिझक रहता है और नहीं घुस पाते। तो वही सब झिझक दूर करने के लिए और मतलब अच्छा से सब कर सके करके हम ये सब प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं आशुतोष भाई से जो आगे कोरियोग्राफर हैं। हेलो, कैसे हो? एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। आशुतोष भाई को मैं बता दूं कि जब भी मैं गरबा करता हूँ, मैं और आशुतोष भाई हमेशा साथ साथ ही गरबा करते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि फर्स्ट टाइम मुझे यहाँ पे बुलाया गया है और 3 साल से यहाँ प्रोग्राम हो रहा था और इस बार बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे जितने भी लेडीज है जो कभी निकली नहीं है, कभी डांस नहीं किए, वो 15 दिन से भी कंटिन्यू आ रही है और बहुत अच्छा कर रही है। और यहाँ पे 3 से 5 सेशन होता है और यहाँ पे अभी गरबा का प्रोग्राम होगा भी 9 दिन जो नवरात्रि के स्टार्ट होने वाले हैं, तो यहाँ पे 7-8 बजे से जो होगा 9-10 बजे तक यहाँ पे प्रोग्राम होने वाला है और बहुत अच्छा करा रहे हैं। तो मैं लता जी और राधा मिश्रा जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि यहाँ पे ऐसा प्रोग्राम करे ताकि सभी लोग जो कभी निकले नहीं है वो बाहर आ सके और अपना जो अपना इच्छा है करने का, जो ग्राउंड के बाहर खड़े रहते हैं हम कभी करें वो अब कर पाएंगे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं जो रोज यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं उनसे कुछ बातचीत करेंगे, कुछ सवाल जवाब करेंगे। चलिए, ये फर्स्ट टाइम गरबा कर रही है यहाँ पर आके कि और भी कुछ सालों से? 2-3 साल से कर रहे हैं। अच्छा, 2-3 साल से कर रही है। और मतलब ये पूछना चाहता हूँ कि आपको कैसा लगता है, मतलब जैसे अभी आप गरबा करते रहते हो तो आपको मतलब सेहत के दृष्टिकोण से भी अच्छा लगता है कि? हाँ, सिर्फ हाँ, एक्सरसाइज की दृष्टि से भी अच्छा है और एंजॉय भी हम लोग करते हैं माता रानी का नवरात्रि में करते हैं। हाँ, मतलब एंजॉयमेंट भी हो जाता है और इसी बहाने सेहत भी हो जाता है। जी सही बात है। इसी बहाने माता रानी का हम लोग भजन भी हो जाता है और उनकी आराधना भी हो जाती है और सेहत भी बन जाता है और साली सहेलियों से मिलना भी हो जाता है। सबसे पहले सभी को नमस्कार करती हूँ। गरबा डांस
जो है माता रानी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है और साथ ही साथ हम लोग भी प्रसन्न हो जाते हैं। और यहाँ पे आने से सभी से मेल मुलाकात हो जाती है, सभी प्रसन्नचित रहते हैं और डांस करने से हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। और डांस करने से हमारे शरीर का पूरा एक्सरसाइज हो जाता है और जिससे हम बहुत ही फिटनेस महसूस करते हैं। धन्यवाद। आप बताइए कि किस भक्ति भाव से, किस उद्देश्य से जो गरबा का आयोजन हुआ है? हाँ, ये किस लिए होता है? मतलब हम लोग ने यहाँ पे गरबा कहीं सीखने के लिए आते हैं। अच्छा। लेकिन क्या है, मतलब हर जगह गरबा का होता है डांस, लेकिन इस जगह में क्या है, सब महिलाएं ना मतलब बेझिझक मतलब सीखती है और हम लोग सब एक दूसरे से मिलते हैं और मतलब सबसे दोस्ती मतलब हो गया है और बहुत अच्छा लगता है। मतलब कोई संकोच नहीं होता है यहाँ पे। मतलब कई लोग हैं जिसको मतलब थोड़ा सा भी डांस नहीं आता है, लेकिन उन लोग भी करते हैं। मतलब कोई उम्र का यहाँ पे कुछ झिझक नहीं। और सर भी बहुत अच्छा हम लोग को सिखा रहे हैं। हाँ। आशुतोष यादव जी और लता साहू मैडम है ये भी, और राधा मैडम तो बहुत अच्छी है। वही सबको हम लोग को ना एक साथ मतलब मिलाई है, हमें बहुत अच्छी है, वही सबको जोड़ के रखी है। बहुत अच्छे सिखाते हैं, एकदम एक एक स्टेप बहुत बड़े सिखाते हैं। दोनों दीदियां भी अच्छे से हेल्प, एक एक स्टेप सिखाते हैं, चिड़चिड़ भी नहीं करते, बहुत मजा आता है। हाँ सही बताए, कई लोग जगह मतलब चिड़चिड़ापन कर देते हैं कि आपको नहीं आता, मगर यहाँ बिंदास एकदम, आप जितने बार पूछोगे आपको सिखाएंगे ही ऐसा। धन्यवाद। तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पर कितना अच्छा माहौल है, सब लोग साथ में मिलके गरबा करते हैं। देखी हूँ होता है इस टाइप की, मतलब चिड़चिड़ापन होता है, मगर ऐसा सब लोग एकदम एक से लगता, सब एक बहन लोग एक साथ है, कोई मतभेद नहीं, एकदम एंजॉय। और सर दीदी लोग बहुत बढ़िया, यहाँ पर कोई पॉलिटिक्स नहीं है, सब एक साथ मिलके गरबा करते, ये बहुत खुशी की बात है। मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ पर इतना अच्छा लग रहा कि बचपन वापस आ गई फिर से। आशुतोष सर तो बहुत अच्छे है, बाकी सब कोई। और यहाँ पर जैसे हम लोग देख सकते हैं बहुत अच्छा माहौल है, सभी लोग बहुत प्यार से मिलजुल कर यहाँ पर गरबा कर रहे हैं। और जो सब लोग बोल रहे हैं, जो महिलाएं जो बोल रही है कि यहाँ पर जिनको झिझक रहता है, जिनके अंदर डर रहता है कि नहीं हम लोग नहीं निकल सकते बाहर, हम लोग नहीं कर सकते गरबा, वो भी यहाँ पर आके बहुत अच्छा गरबा का आनंद ले सकते हैं माता रानी के दरबार में। पूरी महिलाएं घर से बाहर निकल जो कभी नहीं निकलती थी, वो भी यहाँ पे डांडिया कर रही, वो बहुत खुशी की बात है कि कहीं ना कहीं तो आगे आ रही है इस क्षेत्र में। हम भी यहाँ पहली बार आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, घर से निकलने में सोचते हैं लेकिन यहाँ आए मुझे लगता जाए नहीं घर वापस। यही करते रहे। और सर ऐसे हैं कि सबके ऊपर एक एक के ऊपर ध्यान देते हैं। अच्छा। कि कोई गलती तो नहीं कर रहा है, इसलिए गलती नहीं कर सकते हम। गुरु जी हमारे यहाँ से ठीक है। धन्यवाद। यहाँ आने के बाद कैसे टाइम पास होता है पता ही नहीं चलता है, यहाँ आने के बाद कैसे टाइम पास होता है पता नहीं चलता है, इतना अच्छा लगता है, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। पहली बार निकले हैं घर से, पहली बार निकले हैं घर से, ऐसा लगता पंख हो गए उड़ रहे हैं। बातचीत हुआ इनसे तो यही समझ आ रहा है कि इनके जो हस्बैंड लोग हैं उनका घर में हालत खराब होगा अभी। क्योंकि हम लोग यहाँ आते हैं हस्बैंड बच्चों को सबको करके हम लोग यहाँ आते हैं। टाइम है, हस्बैंड लोग को कोई तंग नहीं करते, हम लोग घर का पूरा काम करके आते हैं और चाय पानी के टाइम में पहुंच जाते हैं। ये हमारा टाइम, हम अपने टाइम को कैसे भी यूज करें, है ना। कैसा लग रहा है मैम आपको गरबा करके? अच्छा लग रहा है, हम तो रोज आते हैं गरबा में, पिछले यहाँ 3 साल से हो रहा है। जो 2 साल पहले हुआ था वो ऐसे 8-10 महिलाएं ही आते थे, हम लोग ऐसी शुरुआत किए थे, राधा भाभी हम सब लता भाभी सब ऐसी शुरुआत किए थे। उसके बाद पिछले साल और अच्छा हुआ, इस बार और अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। इस बार सर है सॉरी आशुतोष जी सर है ना, गुरु जी सबको स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। मेन बात है जिसको नहीं आती है तो अलग कर देते हैं, उसको स्टेप सिखाते हैं, तब जाके फिर गैदरिंग में लाइन में ज्वाइन होके करो कि मतलब गड़बड़ ना हो। हाँ। ये सबसे अच्छी लगता है कि मतलब कहीं भी जाते हैं तो मतलब एटीट्यूड भी होता है, बहुत कुछ नहीं सिखाते, तुमको सिखा दिए, लेकिन सर है मैम है कहीं नहीं, अलग से बोलते आ जाओ बिगाड़ो मत, अलग से सीख लो, फिर जाके ज्वाइन करते हैं और एक साथ करते हैं, को देखते रहते हैं, किसी का भी गलत हुआ तो बराबर उनके साथ में सिखाते हैं। नहीं ये हमारा फर्स्ट बार है, मेरा यहाँ पे फर्स्ट बार है, मगर लग ही नहीं रहा है कि ये फर्स्ट बार है। सब लोगों से इतना मिलजुल कर रहना और बातें करना, हम जिनको जानते भी नहीं थे यहाँ आके मिले हैं, कोई एक दूसरे को मतलब इतना सपोर्ट कर रहा है, खास तौर पे सर जो सिखा रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम लोग आ गए हैं सबके चहेते कोरियोग्राफर्स आशुतोष सर और श्रीकांत सर के पास,
तो अब इनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। पहले हम लोग श्रीकांत सर से पूछते हैं, आशुतोष सर से तो पहले बातचीत कर चुके हैं, पहले श्रीकांत सर से पूछते हैं। सर कैसा लगता है आपको हमेशा सिखा के ऐसे महिलाओं? सर बहुत अच्छा लगता है, सब लोग का साथ मिलता है तो और बहुत अच्छा लगता है। बाकी हम लोग तो हर साल करते हैं, चार पांच साल से हम लोग कर रहे हैं सिखाने का, लास्ट तीन साल से मैंने सिखा रहा है और इस साल आशुतोष सर ने साथ दिया मेरा। तो मतलब चार पांच साल से आप लोग कंटिन्यू सिखा रहे हैं? हाँ, चार पांच साल हो चुका है हम लोग सिखाते हैं। और आशुतोष सर आप इसी साल आए हो? इस साल मुझे यहाँ बुलाया गया है, अभी मेरे यहाँ पे अभी चार क्लासेस और चल रही है, यहाँ से फिर दूसरी क्लास है और इस साल मुझे यहाँ बुलाया गया। बाकी मैं पहले से ही सिखा रहा हूँ डांस, और डांस और मेरा यूट्यूब चैनल भी है। अच्छा। तो आशुतोष यादव ब्लॉग्स और इंस्टाग्राम भी सारी, तो मेरे को वहाँ से लोग डीएम करते कि आप हमें यहाँ क्लासेस ले लीजिए यहाँ। तो अभी पर्टिकुलर मेरा चार पांच क्लासेस चल रहा है, हर जगह भी गरबा का सेशन हो रहा है। अच्छा, तो ये थी कुछ बातचीत हमारे चाहिए कोरियोग्राफर्स के साथ जो बहुत पसंद कर रहे हैं लोगों, जिन्हें लोगों के द्वारा बहुत प्यार मिल रहा है। तो हमें लता मैम के द्वारा एक और चीज नई पता चली गई है कि यहाँ पर जो सीजी सॉन्ग में यहाँ पर गरबा होता है हर टाइम, हर साल, हर दिन। हाँ, हर दिन करवाते हैं इसको। हर दिन प्रैक्टिस हो रही है और हर दिन यहाँ पर स्पेशली एक सीजी सॉन्ग में गरबा का प्रैक्टिस होता है, तो उसके बारे में भी मैम कुछ बताएंगे। हमारे छत्तीसगढ़ कल्चर का है, छत्तीसगढ़ी संस्कृति का सुआ गीत बहुत ही प्रसिद्ध है और एक वो समूह में किया जाता है, इसलिए ये बड़ा समूह है करके हम लोग भी उसमें करते हैं। एक बहुत अच्छा है सुआ गीत, उसको करते हैं हर रोज और बहुत डिमांडेड रहता है, एक दिन भी नहीं होगा तो सबको इसको चिल्लाने लगते हैं कि सुआ गीत कराओ। यहाँ पर मैम बता रही थी हमें कि यहाँ षष्ठी में यहाँ कुछ स्पेशल होता है, तो उसके बारे में हम मैम से जानते हैं। चलिए, पूरे नवरात्रि में हम लोग एक खास दिन रखते हैं, उसमें बड़ा प्रोग्राम करते हैं, उसमें हमारा प्रॉपर वे ड्रेस कोड रहता है और पूरे हम प्रॉपर मेकअप में, ज्वेलरी में हम सब चीज का प्राइस रखते हैं और सबको बुलाते हैं, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो बहुत वो खास मोमेंट बन जाता है हम सबके लिए। अच्छा, तो ये चीज मींस षष्ठी में ही होगा? षष्ठी में होगा, एक दिन का हम बड़ा प्रोग्राम रखते हैं तो सब लोग के राय से मशवरा करके फिर, वैसे इस बार हम लोग 20 तारीख को रख रहे हैं जी, फ्राइडे। इस बार का जो षष्ठी होगा यहाँ पे वो 20 तारीख को है षष्ठी, तो आप लोग सब यहाँ पर आइएगा और देखिएगा, बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा उस दिन। स्पेशल डे रहेगा, स्पेशल ड्रेसिंग रहेगा, स्पेशल मेकअप, ज्वेलरी, ये सब रहेगा, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन भी रहेगा, तो आप लोग आइए और यहाँ पर आनंद लीजिए। ऐसी और ताजा खबरों के लिए आप सीजी प्राइम को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए।